हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। हैप्पी वीमेंस डे फ्रेंड। यस, वीमेंस डे आने वाला है तो अपनी केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक नहीं की है ना, तो कोई बात नहीं, एक रीज़न मिल रहा है आपको अपनी केयर करने का, तो स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो स्किन केयर है, चाहे वो आपकी मेंटली केयर है, आपकी हेल्थ को लेकर के है, किसी भी चीज़ को लेकर के है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो पूरी फैमिली ही खुश रहने वाली है। तो मैं जब भी लो फील करती हूँ तो या तो मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, ये नॉर्मल सा ही है मेरा, कोई मेकअप वगैरह नहीं करती, सिर्फ स्किन केयर करती हूँ, या फिर करती हूँ ढेर सारी शॉपिंग और इससे मिलती है मेरे को खुशी। तो मैंने कुछ अच्छी सी चीज़ आज बाय की है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि चाय से भी मेरे को कितनी खुशी मिलती है। तो चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ, चाय भी बन गई है, चाय को एंजॉय कर लेती हैं और फिर दिखाती हूँ आपको अपनी प्यारी सी शॉपिंग। तो देखिए, मैंने बताया था ना, मैंने की है बहुत सारी शॉपिंग। शॉपिंग तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन शॉपिंग है ना ऐसी होनी चाहिए जो कि यूज़फुल हो। कोई भी चीज़ पे अगर आप पैसे लगाते हैं तो उसको यूज़फुल होना तो बनता ही है। तो ऐसी ही एक स्मार्ट और यूज़फुल चीज़ मैंने बाय की है, जो कि है ये बैग। तो यस, मैंने एक बैग बाय किया है जो कि है जूक ब्रांड का। तो अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, यस आई एम प्राउडली सेइंग कि जूक जो है इंडियन ब्रांड है और बहुत ही अच्छे अच्छे और स्टाइलिश बैग ये बनाता है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, वेबसाइट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत सारे आपको डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बैग मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये बाय किया है, बहुत ही स्टाइलिश वेव पैटर्न में है ये और वीगन प्रोडक्ट है ये। ये इस तरह से ना बीच में एक लेदर की एक आपको एक अलग से ना डिटेलिंग भी मिल जाती है और हैंडक्राफ्टेड रहते हैं इनके प्रोडक्ट। तो ये जो है वीगन लेदर के साथ बना हुआ है और ये है वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसके अंदर जो लाइनिंग है ना वो अंदर से वाटर रेजिस्टेंट है। इस तरह का ये होबो बैग है, इसका जो स्टाइल है ना इसको होबो बैग मिलते हैं बोलते हैं। और बहुत ही प्यारा सा ये बैग है। इसमें आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे आपको इसमें पैटर्न मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरह से शोल्डर स्ट्राइप मिल जाती हैं। इसका जो जिप क्लोजर है ना वो भी बहुत ही जो एसेसरीज है इसकी बहुत ही स्टर्डी और ड्यूरेबल है, बहुत ही अच्छा है। एक मेन कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर इस ये मिल जाएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं दूसरे हाथ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही स्टाइलिश और ड्यूरेबल है। और जैसे बताया मैंने, इसमें आपको जो है लैपटॉप बैग मिल जाएंगे, आपको हैंड बैग मिल जाएंगे, क्लचेस मिल जाएंगे, मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगी। और इसकी जो डेप्थ वगैरह ना वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो इसमें आपको एक मेन कंपार्टमेंट तो ये मिलता ही है और ईजी एक्सेस के लिए आपको बैक साइड में एक छोटी सी पॉकेट भी मिलती है, जिसमें कि आप अपने जो है खुले पैसे वगैरह रख सकते हो, या कुछ आईडी प्रूफ वगैरह रखना है वो आप इसके अंदर रख सकते हो। तो ये एक जो छोटी पॉकेट है वो मिलती है और एक मेन कंपार्टमेंट जिसमें अपना जो है छोटा सा क्लच इसके अंदर रख सकते हो, मोबाइल रख सकते हैं, छोटा मोटा जो मेकअप हमारा होता है लड़कियों का वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आजकल है ना बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और मैं अपना कूपन कोड आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, वहाँ से अगर आप बाय करोगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस कूपन कोड के साथ अगर आप बाय करते हो ना तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आइडल है आपके छोटे मोटे जो है आपके बोटल्स को कैरी करने के लिए, चार्जर हो गई, डायरी हो गया, आपका पासपोर्ट वगैरह है, कुछ ऐसी जो निक नैक हमारी चीज़ें होती हैं ना, गर्ल्स को पता ही है, उसके लिए इसमें अच्छा खासा जो है स्पेस दिया हुआ है। तो मेरे तो रिकमेंडेशन है कि आप इसको खुद के लिए भी बाय कीजिए, और वुमेंस डे है तो मम्मी को, भाभी को, बहन को, किसी को भी अपने नियर एंड डियर को आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो है ना बेस्ट बाय मेरी, इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने अच्छी जो चीज़ है वो मैंने बाय की है।
और बस सारा दिन यही काम लगा रहता है। अभी बेड ठीक करके गई थी और ये बंदरी आकर के यहाँ पे नाचने लग गई है। अपने स्टंट दिखा रही है कि मम्मा देख लो मैं कैसे क्या कर रही हूँ, साथ में आप लोगों को भी कि हाँ फ्रेंड्स को भी दिखाओ, मेरी वीडियो बनाओ, फ्रेंड्स को दिखाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बताइएगा इस मैडम के स्टंट आप लोगों को कैसे लगे हैं। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. परी स्कूल जाने लगी है तो एक टिफ़िन तो है उसके पास लेकिन छोटा बढ़ता है, तो उसके लिए मैंने एक टिफ़िन भी बाय किया है जो कि कुछ ऐसा है। इसको यूज़ करके फिर आप लोगों के साथ इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि आई नो 1 अप्रैल से तो सभी के बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। नीरव अभी नहीं जा रहा है, ऑनलाइन ही उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, बट हाँ 1 अप्रैल से उसके भी स्कूल ओपन हो रहे हैं फाइनली 2 साल बाद। Moves in ways it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go. फ्रेंड्स ये थी मेरी क्लीनिंग आफ्टर 1 वीक। 1 वीक तो गया, मतलब पूरा एक्चुअली मेरा ये जो वीक है ना पूरा बेड पे ही गया है। मतलब पूरा वीक मेरे को माइग्रेन था, थोड़ा बहुत उठ रही थी, काम कर रही थी, फिर वापस से मतलब ऐसे ही हो रहा था, तो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा था, घर पूरा फैला हुआ था। और आज सुबह नीरव ने बनाए थे सैंडविच, नीरव ने ही परी को संभाला था। दोपहर को मैंने भाभी को कॉल किया था, मैंने क्या नीरव ने ही कॉल किया था भाभी को कि इंजेक्शन लगा दीजिए, मम्मी को हेडेक है, उठ नहीं रही है और खाना भी बनाना है। तो भाई भाभी आ गए थे दोपहर को, सब्जी वो लोग ले आए थे, रोटी उन्होंने यहाँ के बना दी थी, मुझे भी खिलाया, इंजेक्शन लगाया। तो उसके बाद मैंने काफ़ी बेटर फील किया। 5 बजे वो लोग चले गए थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बड़े बेटे का ट्यूशन भी था तो उसकी भी तैयारी करवानी थी, क्योंकि ये जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना सारे बच्चे तो फिर पढ़ते तो है नहीं, तो वो लोग भी चले गए थे और मुझे भी मतलब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, बच्चे शोर तो करते ही हैं तो फिर मेरे को भी आराम नहीं हो पाता। तो 5 बजे वो लोग चले गए थे, फिर उठ के मैं नहाई, जैसे आप लोग के साथ शेयर किया, स्किन केयर वगैरह किया, थोड़ी सी जो चीज़ें घर में फैली हुई थी वो रखी है, बेड वगैरह ठीक किया, मतलब सारी क्लीनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो जब भी कुछ ऐसा लो फील करते हैं और मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो मैं सबसे पहले तो वही होता है थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद अपने घर को ठीक करती हूँ, तो इससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छा फील करती हूँ। तो जब भी आप लो फील करें तो
वही काम करें जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, आप मोटिवेट होते हैं, आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी, आप अंदर से खुश रहेंगे तो पूरी फैमिली को भी आप खुश रख सकते हैं। तो इस वीमेंस डे पे जस्ट मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि अपना ध्यान रखिए। देखिए बीमारी तो वो तो है, अब मैं वही कहूँ कि मेरे को माइग्रेन था, लेकिन ठीक है चलती रहती है, लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। बट एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन लिया मैंने भी, चलो थोड़ा सा आराम हुआ तो मैं उठ के और अपना काम में लग गई, उससे मुझे एनर्जी मिली, थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने बेटर फील किया। ये अलमीरा जो है मेरी काफ़ी टाइम से ऐसे पड़ी हुई थी जिसके अंदर की मैंने अपनी सारी ट्रेस वगैरह रखी थी, तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है। सोच रही थी काफ़ी टाइम से क्या करूँ कि अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, तो फाइनली मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आया था, इसके अंदर सारी ट्रेस रख दी, अब लगा दिया। तो देखिए पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, हो गया ना बिल्कुल अलग सा। तो देखने में भी चीज़ें अच्छी लगती है, जब चीज़ें फैली रहती है ना तो दिमाग में भी वो क्लटर करती हैं। तो सेम इसी तरह से आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट है तो उसको निकाल दीजिए, क्लीनिंग कर लीजिए, घर की क्लीनिंग करेंगे ना तो मैं जब घर की क्लीनिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं बहुत है ना हल्का हल्का सा फील करती हूँ, ऐसा लगता है मेरा घर हल्का हो गया। तो बस अब देखिए थोड़ा इतना ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि काम वाम तो सब हो रखा था, बस चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, कपड़े फैले हुए थे उनकी तह लगा दी है, उनको रख दिया है समेट करके, थोड़ा सा बेड को ठीक कर दिया, सोफ़ा ठीक कर दिया, टेबल की क्लीनिंग कर दी। तो इस चीज़ों से क्या हुआ कि सब चीज़ें अपनी जगह पर हो गई, साफ़ हो गई, तो वो थोड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप भी वही कीजिए जिससे आपको अच्छा लगता है। तो शाम का जो खाना है वो मैंने बाहर से मंगवा लिया था, नीरव को राइस और मंचूरियन बहुत पसंद है, तो आज उसकी पसंद का जो खाना है वो ऑर्डर किया, मैं और परी खा लेते हैं। मतलब ओके है, मुझे मतलब पसंद तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ नीरव को पसंद है, आया है तो मैं भी खा लूँगी, तो मैंने भी अच्छे से खा लिया था। फ्राइड राइस मुझे पसंद है, मंचूरियन ओके ओके है मेरा, बट परी को भी अच्छा लगा है। और बस इसके साथ हमने जो है रायता भी मंगवा लिया था, तो रात का डिनर हमारा हो गया है। विनोद आज आएंगे नहीं तो वो गुड़गांव ही है, तो हम लोग थे तो मैंने सोचा चलिए बाहर से, अब इतना सारा काम कर लिया है थोड़ा सा बैठ के अब एक आध जो है एक सीरीज़ देखनी है, काफ़ी टाइम से मेरी पेंडिंग थी। तो देखिए वो भी एक एंटरटेनमेंट का ही सोर्स है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। जैसे आज मेरा रिलैक्स करने का मूड है, थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रही हूँ, कुछ काम करने का मूड नहीं है, बट हाँ आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर मैंने बनाई है। तो काफ़ी मतलब मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई है और मैं बना भी रही हूँ, तो आप लोगों ने बोलते हैं कि मेरे क्लीनिंग वाले वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलता है, तो इसीलिए मैंने चलिए सोचा कि चलो ये चीज़ इस वीडियो में इंक्लूड करती हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो प्लीज़ व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं लेकिन हाँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं मुझे रेगुलर, उनके लिए मैं बनाती हूँ और बनाती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहें, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थाली मेरी रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो पूरी थाली अच्छी सी है तो इसमें पापड़ भी ऐड कर लिया जाए, तो पापड़ मैंने सेक लिया था और डिनर की थाली रेडी हो गई है। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट जरूर छोड़ के जाए कि वीडियो कैसी लगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय बाय।